हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपको पता है कि MT-15 का नया वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है, लेकिन भैया नया वर्जन लॉन्च होने के साथ साथ में बाइक का जो प्राइस है वो भी बढ़ चुका है। अब भैया बाइक का प्राइस तो इतना ज़्यादा हो चुका है कि कैश में खरीदना फिलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, प्लस यूजफुल भी होने वाली है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक को फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। दोस्तों, बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखिए, पैन कार्ड सबके पास होना चाहिए और आई थिंक आजकल सबके पास होता है, क्योंकि बिना पैन कार्ड के तो भैया वो भी नहीं खुलता, क्या बोलते हैं उसे यार, बैंक का अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आपको 6 महीने की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें आपकी ध्यान रखिए सैलरी आती है। जी हाँ, आपको ये तो दिखाना पड़ेगा ना कि भाई मैं यहाँ से पैसे कमाता हूँ। अगर आप ये शो नहीं करेंगे कि मैं यहाँ से पैसे कमाता हूँ तो वो आपको फाइनेंस करके क्यों देंगे, इसलिए वो दिखाना पड़ता है। 6 महीने की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी, 1-2 चेक की जरूरत पड़ती है, कभी कभी ATM से भी हो जाता है, ECS, 2-3 फोटोज़ की जरूरत पड़ेगी, आपकी बाइक आपको फाइनेंस करके दे दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो सो आपको बताना चाहूँगा, अपनी जो MT-15 है वो एक्सरूम प्राइस अराउंड 168,400 रुपये के आसपास की अब आपको एक्सरूम प्राइस देखने को मिल रही है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको पहले क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 204,000 रुपये 204,000 रुपीज़ के आसपास की आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ वो लिया हुआ है 64,000। जी हाँ, 64,000 रुपये जो है हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है, 140,000 रुपये, ठीक। अब दोस्तों, इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस। जब भी आप बाइक फाइनेंस कर रहे हैं तो हमें प्रोसेसिंग फीस देना पड़ता है। 140,000 में कम से कम 10,000 लगेगा, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 150,000 रुपये। अब हमें निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियस बात है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिना तो होगा नहीं, क्योंकि भाई कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके दे रही तो हमें उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपके सैलरी स्लिप पे। जनरली मैंने 4% से 14% देखा, आज के इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ है। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 15,000 रुपये। 150,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 15,000 रुपये प्लस कर दो तो आपका टोटल अमाउंट आ गया 165,000 रुपये। 165,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी मंथली EMI की लगभग 13,750 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको बाइक 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो तो 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये, 15,000 × 2 कर दो तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 30,000। 150,000 रुपये में आप 30,000 रुपीज़ प्लस कर दो, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट है 30,000 रुपये, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 180,000 रुपये। 180,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 7,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों, आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, हालांकि मैं हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि 3 साल के लिए ना ही कराओ तो बेहतर है, क्योंकि 3 साल में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कराना चाहते हो तो 15,000 × 3 कर दो, टोटल अमाउंट जाएगा 45,000 रुपये, कितना, 45,000 रुपीज़। अब 150,000 में 45,000 प्लस कर दो, टोटल अमाउंट जाएगा 195,000 रुपये। अब 195,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियस बात है 3 साल में 36 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI बनेगी लगभग 5,416 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी कब तक, 3 सालों तक यानी कि 36 महीने तक। तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू MT-15 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के वीडियो का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।